हाय, मैं डॉक्टर विजय कुमार सालविया, द टेक्निकल एडवाइज़र, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च एंड क्रिएटिविटी ऑर्गेनाइजेशन यूएसए इंडिया। वी आर वर्किंग फॉर द क्राइम फ्री भारत। हैप्पी न्यू ईयर फॉर द 2021 एंड लेट्स टेक अ प्लेज एंड डिसीजन टू मेक द भारत क्राइम फ्री। दिस क्राइम फ्री भारत इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू नो देर आर सो मैनी क्राइम्स विच इज़ इन्वॉल्व इन मैनी सेक्टर्स, और ये जो क्राइम है, इन क्राइम को कम करने के लिए, इस क्राइम में जितने भी लोग शामिल हैं, बड़े बड़े लोग शामिल हैं इसमें, और इसके अलावा इसमें जो बहुत सारी हमारा लचीलापन है हमारे सिस्टम में, तो उसको मुक्त करने के लिए श्री मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर DGP पुलिस रिफॉर्म्स मध्य प्रदेश, उन्होंने ये इसका बीड़ा उठाया है। वो क्राइम फ्री भारत मिशन के प्रेसिडेंट हैं। तो हम मैथिली शरण गुप्त जी को धन्यवाद करते हैं इस मिशन के लिए, क्योंकि आज बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, उन पेंडिंग केसेस को हमें निपटाना है, हमारे पुलिस प्रणाली जो है उसको बिल्कुल सुदृढ़ बनाना है, चुस्त बनाना है। डिजिटाइजेशन का ज़माना है, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो हमें हमारी पुलिस प्रणाली को डिजिटाइजेशन करना है। आज देखिए, कोविड के कारण हर चीज़ डिजिटाइजेशन हो गई है, आज ऑनलाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर सिस्टम, इन सब का उपयोग हो रहा है। तो हमें भी पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, IT के साथ आगे लाना है, और ऐसी कई पेचीदगियाँ हैं जो कि साइबर क्राइम हो रहे हैं। अभी भी देखिए कि हर सेक्टर में साइबर क्राइम घुस गया है, और ये जो साइबर क्राइम है, ये आज साइबर जो है, जो हमारा IT है, वो फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, और यहाँ तक कि हमारे काउ प्रोडक्ट्स है, डेयरी फार्मिंग से, इन सब में हम लोग IT का यूज़ कर रहे हैं। मार्केटिंग के लिए, इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए हम IT का यूज़ कर रहे हैं। टोटल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्राइम बढ़े हैं। अभी भी जो है, हमने पिछले साल देखा 2020 में कि कई जो है हैकिंग साइट्स हैक हो गई है, गवर्नमेंट की साइट्स हैक हो गई है, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद, और यहाँ तक कि हमारा जो हवाई सिस्टम है, एयरलाइंस है, वो भी साइबर क्राइम से छूता नहीं रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आम आदमी और के लिए इस एक सांस लेना थोड़ा दुभर होता जा रहा है, और हमें चाहिए कि इस गूंगी और लकड़ी व्यवस्था में जनता के लिए एक अच्छा पुलिस सिस्टम को हम बनाएँ, जिससे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो जटिलता है उसको दूर करें, क्योंकि हम अगर ये दूर नहीं करेंगे तो जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, हम लोगों का, हम इंटरनेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इन सब को बढ़ाते हुए, इनोवेशन को बढ़ाते हुए, आत्मनिर्भर भारत के लिए रोज़गार और स्वरोजगार को सृजन करना, और अभी तक हमने कई लोगों को इसमें प्रोत्साहित भी किया है, लेकिन फिर भी जब तक क्राइम दूर नहीं होंगे, क्योंकि वो जो क्राइम है, जैसे ग्रीन हर्बल न्यूट्रिशन रिच मेडिसिन फ्री हेल्दी भारत हमें चाहिए, तो हमें इसमें से जो है क्राइम को निकालना पड़ेगा। जॉब्स एंड सर्विसेज रिच भारत चाहिए, मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड टूल रिच भारत हमें चाहिए, मिल्क रिच भारत चाहिए, हनी रिच भारत चाहिए, डिसीज फ्री, पॉवर्टी फ्री एंड इलिटरेसी फ्री भारत वी वॉन्ट, ग्राउंड वाटर रिच भारत वी वॉन्ट, हरी रिच भारत वी वॉन्ट, डिसीज़ फ्री, पावर्टी फ्री, ग्राउंड वाटर रिच, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फ्री भारत वी वॉन्ट, डिजास्टर रेजिलेंट फ्री, डिजास्टर रेजिलेंट भारत, इलीगल आर्म्स फ्री भारत, ड्रग्स एंड नारकोटिक सब्सटेंस फ्री भारत। आज देखिए कि ड्रग्स कहाँ कहाँ तक पहुँच चुका है। तो नारी सम्मान युक्त भारत, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव भारत वी वॉन्ट, आत्मनिर्भर एंड समर्थ भारत वी वॉन्ट। तो हमारी आपसे अपील है, प्लीज़ जॉइन दिस क्राइम फ्री भारत मिशन टू चेंज द फेस एंड फेट ऑफ अवर नेशन। जय हिंद।